सख्त है, नया कानून आया है, नए नियम लागू हुए हैं। सरकार कानून को इस मकसद से लेकर आई है कि एक्सीडेंट को रोका जा सके, लोगों को आगाह किया जा सके, लेकिन ड्राइवर्स इस कानून के सीधे तौर पर खिलाफ हैं। पूरे देश प्रदेश में आप देख रहे हैं प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इस कानून के आने के बाद क्या हाल है प्रदेश में, आइए इस खास पेशकश नए कानून पर क्यों मचा बवाल बताएं एक हाल। कहां उग्र प्रदर्शन हुआ है, कहां पंपों पर भारी भीड़ लगी हुई है। और आइए अब आपको एमपी के चार शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं। स्थिति आप समझ जाएंगे इन तस्वीरों के जरिए कि आखिर किस वजह से कानून के विरोध में बस ट्रक संचालक लगातार हड़ताल पर हैं और कैसे सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। प्रदेश के अधिकतर जिले जहां ट्रक ड्राइवर की हड़ताल है, आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसी चीजों की किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है। चार तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर खंडवा की है, नए कानून के विरोध में ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। मुरैना में भी यही हाल है, बस स्टैंड पर ड्राइवर धरने पर बैठ गए। तीसरी तस्वीर भिंड से आप देख रहे हैं, सुभाष तिराहा पर वाहन चालकों ने नए कानून के विरोध में चक्का जाम किया है। प्रदर्शनकारी ड्राइवरों ने सरकार से कानून वापस देने की मांग की। और चौथी तस्वीर हरदा जिले की, ड्राइवरों की हड़ताल से यात्रियों को काफी परेशानी और इसी के चलते अब लगातार माहौल में इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमत किल्लत अगर होती है और अलग अलग जरूरी सामानों की किल्लत होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार आखिर होगा, क्योंकि सरकार से गुहार है तो सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी जानकारी इस हड़ताल को लेकर या नए कानून को वापस देने को लेकर अभी तक साझा नहीं की गई है। तो ये चार तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें मकसद इसका है कि आप ये समझ सके कि ना सिर्फ ट्रक ड्राइवर परेशान है इस नए कानून से बल्कि लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। हादसों के आंकड़े भी आपने देखे हैं और इन आंकड़ों में कमी आ सके इसका प्रयास कानून व्यवस्था की तरफ से किया जाना था और इसलिए शायद सरकार की तरफ से इतना कड़ा नियम कि अगर हिट एंड रन का मामला पाया जाता है तो आपको 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा, साथ ही 7 साल की कारावास की सजा आपको होगी। तो पुराना कानून क्या था उसकी भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। 2 साल की सजा अधिकतम होती थी, ड्राइवर को थाने से जमानत भी मिल जाती थी, लेकिन अभी ये जो कानून है वो कड़े हुए हैं। मकसद इसके पीछे के आंकड़ों में कमी आए, एक्सीडेंट्स में कमी आए, लेकिन सख्ती से ज्यादा लोगों को अपने जान का डर सता रहा है, क्योंकि हिट एंड रन का मामला जब जब हुआ है या अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर को जिम्मेदार मानते हुए सबसे पहले उसके साथ मारपीट की जाती है। मॉब लिंचिंग की खबरें आपने कई बार देखी है। इसी पॉइंट को लेकर ट्रक ड्राइवर्स की तरफ से हड़ताल की जा रही है, टैंकर ड्राइवर्स की तरफ से हड़ताल की जा रही है कि जब भी दो वाहनों में टक्कर हो रही हो भारी और मालवाहक वाहन को जिम्मेदार ठहराया जाता है और ड्राइवर की घटनास्थल पर अगर हालत ठीक है तो मॉब लिंचिंग की जैसी जो घटनाएं वो सामने आती हैं और कई बार मारपीट ड्राइवर्स के साथ होती है। दूसरी तरफ कानून सख्त होने के चलते ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल तो है, जमीनी स्तर पर खामियाजा भुगत रहे हैं आम लोग, क्योंकि ना सिर्फ ट्रक और डंपर बल्कि कुछ ऐसी जगह भी हैं छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके ऐसे भी जहां बस संचालकों की तरफ से भी हड़ताल शुरू कर दी गई, बस ड्राइवर्स भी हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो हम इतना भारी भरकम चालान नहीं भर सकते हैं और हिट एंड रन को लेकर अगर सख्त कानून लाए जाते हैं तो जमीनों पर, सड़कों पर पहिए इसी प्रकार से थमे रहेंगे। तो अभी एक बहुत बड़ी मुश्किल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, खासतौर पर ऐसे जिलों में जहां पर आम लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सहारे रहते हैं। पुराने कानून के साथ ही जो नया परिवर्तन सामने आया है, सख्ती और ज्यादा बढ़ती हुई। चलो अलग अलग जिलों में आपको अब लिए चलते हैं, हम आपको किस प्रकार यहां पर लोग जूझ रहे हैं ये समझने का प्रयास करेंगे। सही कि मिथिलेश गुप्ता इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए, वासु चौरी भोपाल से रिपोर्ट करेंगे, सुशील कौशिक के ग्वालियर से आपको दिख रहे होंगे, पवन पटेल हैं जबलपुर से हमें रिपोर्ट करें, श्रवण महंत हैं अंबिकापुर के हालात भी बताएंगे। वासु सबसे पहले आपका रुख मैं कर रही हूं क्योंकि ना सिर्फ राजधानी बल्कि आप पूरे प्रदेश का हाल जरा बताइए एक झलक में कि क्या कुछ हो रहा है और आम लोग कैसे परेशान हैं। ट्रांसपोर्टेशन है उसे आप ये कह सकते हैं कि वो किसी भी स्टेट या देश की लाइफलाइन होता है, क्योंकि
दूध हो, फल हो, सब्जियां हो, राशन का सामान हो या फिर अनाज हो, अन्न हो, इन सबको लोगों तक पहुंचाने, उन मार्केट्स तक पहुंचाने का काम जो है वो ट्रक ड्राइवर्स, ट्रक ऑपरेटर्स के द्वारा ही किया जाता है। और आज वही जब एक बड़ी देशव्यापी हड़ताल पर है तो ये सारी सुविधाएं जो है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही हैं। और ये भी अब तस्वीरें सामने आने लगी हैं कि एलपीजी की सप्लाई, पेट्रोल डीजल की सप्लाई जो है वो अभी अप्रभावित होने लगी है। ऐसे में अगर ट्रकों के पहिए रुकते हैं, डंपर्स के पहिए रुकते हैं, तो लोगों की गाड़ियों के पहिए भी जो है वो आने वाले समय में थम सकते हैं अगर इस बात का जल्दी कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो। और अगर इसी तरीके से हड़ताल जारी रही तो आम लोग सीधे तौर पर महंगाई से भी अवंतिका प्रभावित होंगे और परेशान होंगे, क्योंकि अगर दूध और सब्जियों की सप्लाई कम होगी तो निश्चित तौर पर उनके जो दाम है वो बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे और इसका सीधा असर जो है आम लोगों के बजट पर और आम लोगों के किचन पर पड़ेगा। बहरहाल राजधानी भोपाल समेत मध्यप्रदेश के तमाम जिलों की और कस्बों की यही तस्वीर है कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं और उनका समर्थन करने के लिए बस ऑपरेटर्स जो हैं वो भी अब हड़ताल पर आ गए। भोपाल के चारों ओर से जो हाईवेज निकलते हैं वहां पर लामबंद तरीके से ट्रक ड्राइवर्स ने अपनी हड़ताल शुरू कर दी और लंबी लंबी कतारें जो है ट्रकों की लगने लगी। अगर ये चक्का जाम आगे चलकर करते हैं और इसी तरीके से कतारें बढ़ती जाती हैं तो इससे ट्रैफिक जाम जैसी जो स्थिति है वो भी बन जाएगी और आम लोगों को सीधे तौर पर इससे जूझना पड़ेगा। हिट एंड रन मामले में जो नए प्रावधान किए गए हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और साफ तौर पर ड्राइवर्स ने आरोप लगाए कि वैसे ही हमसे बहुत वसूली होती है, चाहे पुलिस की हो, आरटीओ की हो, और ऊपर से इतने कड़े प्रावधान, ये हम कैसे भुगतान कर पाएंगे। और एक ड्राइवर बामुश्किल 10,000-12,000 रुपए महीने का कमा पाता है, वो ऐसे में नौकरी करेगा या किस डर के चलते ट्रक चलाना छोड़ दे, ये तमाम सवाल जो है वो उनके सामने खड़े हो गए हैं। अवंतिका, नए साल की शुरुआत में जब इतनी बड़ी परेशानी आप देखे तो कई बार डर भी समा जाता है कि क्योंकि सीधा आम लोगों पर जब असर पड़ने लगे तो स्थिति और ज्यादा मुश्किल। मिथिलेश की ओर अब रुक करेंगे, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, पहले ड्राइवर्स का पक्ष भी बताइएगा, क्यों इस कानून को वो नहीं मान रहे हैं, क्यों इसे वापस लेने की मांग की जा रही है, और इंदौर में आम जनता पर कितना असर? देखिए, अगर ड्राइवर्स की बात करें तो ड्राइवर्स का कहना है कि 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का प्रावधान, ये जो सख्त कानून बनाया गया है, ये जो कड़ा प्रावधान लाया गया है, इसे तत्काल बदल देना चाहिए, क्योंकि कई बार हादसे जो होते हैं वो जानबूझ के नहीं होते हैं, हादसे जो है किसी कारणवश भी हो सकते हैं, लेकिन जब से ये हिट एंड रन का जो नया मामला है, जो नया कानून बनाया गया, वो काफी सख्त है। और उनका कहना है कि इसकी वजह से और भी ज्यादा विवाद होंगे, कई बार ग्रामीण स्थितियों में या ग्रामीण जगह पर इस प्रकार की बड़ी स्थितियां भी देखने को मिली है। तो उनका कहना कहीं ना कहीं से आने वाले समय में ये हम लोगों के जान पर खतरा है, हम लोग के लिए बड़ी मुसीबत है। और देखिए, वो इन सब बातों को लेकर नीचे जो लोग ई रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, यहाँ तक कि जो टू व्हीलर चला रहे हैं, ये ड्राइवर्स उन तक से बात कर रहे हैं, उन्हें ये समझा रहे हैं कि अगर ये प्रावधान या कानून से भी हमारे लिए तक सीमित नहीं है, ये कानून तुम्हारे लिए भी हो सकता है। इंदौर में ई रिक्शा को भी रोकाया जा रहा है, मैजिक, ऑटो रिक्शा सबको रोक रोक के बंद कराया जा रहा है, उन्हें चलने नहीं दिया जा रहा। हालात ये देखिए, कल मांगलिया डिपो पर पुलिस के साथ झुमा झटकी होती है, कुछ ट्रक वहां से निकल रहे थे, कुछ टैंकर निकल रहे थे, दूसरे ड्राइवर के द्वारा उन्हें रोका गया, मारपीट की गई, पुलिस साथ विवाद होता है, उसके बाद हड़ताल की बड़ी सूचना सामने आती है और उसके बाद एक मैसेज चलता है कि इंदौर में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो सकती है। और यह तस्वीर मैं आपको गीता भवन स्थित पेट्रोल पंप की दिखा रहा हूं, देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, लोग सुबह से यहां पर खड़े हैं और तेल भराने के लिए, क्योंकि इन्हें जो मैसेज मिला है कि पेट्रोल डीजल की किल्लत हो सकती है। हालांकि जो पेट्रोल पंप के या जो इसके एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि पर्याप्त जो तेल है वो पर्याप्त है और आने वाले समय में स्थिति बनी रहेगी कि उन्हें पर्याप्त तेल मिलता रहे, लेकिन हड़ताल हो चुकी है, ड्राइवर्स हड़ताल में है, अगर ट्रक नहीं चलेंगे, टैंकर्स नहीं चलेंगे, तो इस पेट्रोल पंप तक तेल कैसे आएंगे। दूसरी बड़ी जानकारी मैं आपको इंदौर से दे रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें हैं उन्हें भी रोक दिया गया, यानी शहर के अंदर चलने वाली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की 400 बसें हैं, उन 400 बसों को बंद कर दिया गया और चार्टर से 163 बस जो इंदौर से भोपाल, खंडवा, खरगोन तमाम अलग अलग शहरों में जाती है, उन बसों को भी रोक दिया गया, यानी 563 बसों को जो AICTSL से चलती है, 563 बसें प्रभावित है। दूसरी जो सरकारी गवर्नमेंट वाली जो बसें वो बंद है, प्राइवेट बसें बंद है, यात्री सबसे ज्यादा इंदौर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आसपास इलाज के लिए जब जश्न की तस्वीरें होनी चाहिए, जश्न की भीड़ दिखनी चाहिए, तब पेट्रोल डीजल को लेकर ये मारामारी की तस्वीरें इंदौर से हम देख रहे हैं। आप बने रहेगा हमारे साथ, लौटूंगी मैं आपके पास, मुंगेली से भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके पास भी आपको ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले सुशील के पास आपको ले चलते हैं। ग्वालियर में भी क्या सुशील पेट्रोल पंप पर इसी प्रकार की कतारें हैं, क्या यहां पर भी पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उनके पहिए थमे हुए? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी कहीं ना कहीं अगर कहें तो जो हिट एंड रन कानून है उसको लेकर लगातार विरोध देखने में मिल रहा है। यहाँ
ग्वालियर के आसपास के जितने भी हाईवे हैं उन हाईवे पर लंबी लंबी वाहनों की कतार है। ये ग्वालियर का अंतर्राज्यीय बस अड्डा है। इस बस स्टैंड से 550 से ज़्यादा यात्री बसें रोजाना चलती है, लेकिन हिट एंड रन कानून के विरोध में यहाँ पूरी तरह से ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर रखी है और इस हड़ताल की वजह से पूरे इलाके में आप देख सकते हैं कि बसें पूरी तरह से बसों के पहिए थमे हुए हैं और इस इलाके में जहां बसों की चहल पहल होती है, यात्रियों की चहल पहल होती है, आज वहां सन्नाटा छाया हुआ है। दरअसल जो ड्राइवर्स है वो हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि पहले ही ड्राइवरों के सामने सबसे बड़ी परेशानियां होती है, ऐसे में हिट एंड रन कानून का सख्त होना उनकी और मुसीबतें बढ़ाएगा और इससे परेशानियां खड़ी होगी। अब आपको बता दें कि जो हड़ताल हुई है उस हड़ताल की वजह से आप देखेंगे कि अभी तो पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन अगर इसी तरह से ट्रकों के टैंकरों के पहिए जाम रहते हैं तो आने वाले 48 घंटे में डीजल और पेट्रोल की भी किल्लत हो सकती है, उससे परेशानियां हो सकती है। इसके अलावा यात्री वाहन के चक्के थमे हुए हैं। शहर के अगर देखें तो 12,000 से ज़्यादा ऑटो भी पूरी तरह से बंद है। जो ऑटो थोड़े चल रहे हैं उनको भी यहाँ बंद कराया जा रहा है और इनका यही कहना है कि ये जो कानून है कहीं ना कहीं एक तरह से ड्राइवरों के लिए काला कानून है, इससे ड्राइवरों की परेशानियां और बढ़ेगी। अब इस हड़ताल के लंबे समय तक चलने से कहीं ना कहीं ना सिर्फ यात्रियों की मुसाफिरों की परेशानियां बढ़ेगी बल्कि आने वाले समय में डीजल पेट्रोल की किल्लत होगी। दोनों ही तरफ सुशील परेशानी है, किसी भी तरफ ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति लाभ में हो इसे। मुंगेली अब आपको लिए चलेंगे, प्रशांत शर्मा आपको नजर आ रहे होंगे। मुंगेली में क्या हालात है प्रशांत, चूंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग भी नजर आ रहे हैं आपके पीछे, क्या कहना है उनका इस कानून को लेकर? जी निश्चित रूप से मुंगेली जिले में भी जो ड्राइवर यूनियन है उनके द्वारा हड़ताल किए गए हैं और आज आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इतनी बड़ी संख्या में ये जो ड्राइवर है ये अपने वाहनों के पहिए थामकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार न केवल बस ड्राइवर ट्रक ड्राइवर बल्कि स्कूल बस के जो चालक है उन्होंने भी प्रदर्शन किया है। और जिस तरह ये कानून लाया गया है, जैसा कि बताया जा रहा है कि बढ़ते सड़क हादसों को रोक लगाने के लिए ये कानून लाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ड्राइवरों के लिए ये कानून जो है काला कानून साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरह की तनख्वाह इनकी रहती है 7,000 से 8,000 रुपए इनकी सैलरी रहती है और उसके बाद 10 साल के सजा का प्रावधान है, जो 7-8 लाख रुपए का जुर्माना है वो इनके लिए कहीं ना कहीं काफी भारी साबित हो रहा है। और यही कारण है कि सड़कों पर उतर कर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ ड्राइवर हमारे साथ है, हम पूछेंगे किस तरह की ये पूरा प्रदर्शन है। ये जो कानून है वो बिल्कुल गलत है, इसमें ड्राइवर लोग गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे। अगर एक्सीडेंट होता है अगर ड्राइवर भगेगा नहीं तो उसको पब्लिक मार डालेगा और भगना उसको अनिवार्य हो जाएगा। अगर वो हॉस्पिटल ले जाता है अगर कहीं कोई पब्लिक उसको मारते हैं, इसमें कुछ ड्राइवर को होता है तो उसका जवाबदारी कौन लेगा? ये सरकार जो है कानून बनाया है बिल्कुल गलत बनाया है, ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि कानून को गलत बता रहे हैं कुछ और लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का ये पूरा प्रदर्शन आप लोगों का? सबसे पहली बात बोला तो मैं तो छत्तीसगढ़ी में बोलना पसंद कर रहा हूँ। सरकार जी से नियम दस लाख रुपया लगी बोला थे और 10 साल की सजा। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ अगर हमारे पास 10 लाख रुपया पैसा रहती तो कहा हम गाड़ी चलाए कोशिश करते हैं खुद अपन वही सरकार का कहता हूँ अगर हमारे में रुका था एक्सीडेंट होते तो ऊपर का प्रावधान करे सरकार। आप लोग का प्रदर्शन किस तरह कब तक रहेगी? ये जब तक नहीं होगा हम लोग ये मतलब काला कानून जब तक वापिस नहीं हुई तब तक एक रही थे आंदोलन। तो आप देख सकते हैं कि जो ड्राइवर है यूनियन संघ है इनका जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और आज लगभग सभी वाहनों के जो पहिए हैं वो थमे हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये परेशानी लगभग 2-3 दिन और रहेगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि 3 दिनों का ही अल्टीमेटम दिया गया है जिस तरह के हड़ताल की बात है। लेकिन जो यह प्रदर्शनकारी है उनका कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और बड़ी बात प्रशांत ये भी कि बहुत पहले से इन्होंने ऐलान किया था कि हम हड़ताल करेंगे, इसके बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। सीधे अब आपको जबलपुर लिए चलते हैं, आपको हमारे सहयोगी नजर आ रहे होंगे पवन पटेल जुड़े हुए हैं। पवन, पेट्रोल पंप है शायद आपके पीछे, यहां पर भी क्या लोगों को इसी बात का डर कि पेट्रोल की किल्लत होगी? जी बिल्कुल अवंतिका, जबलपुर में भी तस्वीरें जो बता रही है वो यही बता रही है कि लोगों के मन में डर है कि पता नहीं कितने दिनों तक ये हड़ताल चलती है और अगर पेट्रोल पंपों में पेट्रोल खत्म हो गया
तो फिर उनका क्या होगा, क्योंकि नौकरी धंधा व्यापार करने वाले लोग, स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र, कामकाजी महिलाएं, ये तमाम लोगों के मन में यही डर है। और इसी वजह से ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि पेट्रोल पंपों में लोगों की भीड़ लगी हुई है। और ये तस्वीर सिर्फ आज नहीं है बल्कि कल भी ऐसी ही तस्वीर हमने देखी थी कि जब पेट्रोल पंपों में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तो जो कानून सरकार ने बनाया है वो कानून बनाया है हादसों को रोकने के लिए, यानी समझा जा सकता है कि कानून पहले भी था लेकिन इस बार सख्ती बढ़ाई गई है, जुर्माना बढ़ाया गया है, सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है। और ये उस स्थिति में है कि जब एक्सीडेंट होता है तो जैसे पहले एक्सीडेंट होने के बाद में कानून की प्रोसीडिंग होती थी, कोर्ट में केस चलता था, वैसा ही इस बार होगा। लेकिन लोगों के मन में डर ये है कि इस बार सीधे सजा हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इस कानून का विश्लेषण करना और लोगों को समझना जरूरी है ताकि इस तरह की स्थिति ना बने। फिलहाल पेट्रोल पंपों में जो भीड़ लगी हुई है उसके बाद जो स्थिति है, पेट्रोल पंप संचालकों का जो अभी तक कहना रहा है वो यही है कि हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन कितना पर्याप्त है, कितने लोगों को वो आपूर्ति कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है। हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह है, इतनी भीड़ क्यों है, क्या डर है आप लोग? सर यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है। सुनने को मिला है कि कोई हड़ताल मची है जिसकी वजह से इतनी पेट्रोल नहीं मिल रही। अब सुनने को 3 तारीख को मिलेगा पेट्रोल, तो अभी अब कहीं अगर पिकनिक बनाने जाना तो कैसे बनाएंगे? यानी नए साल पर जो जश्न का माहौल रहता था वो भी फीका हो रहा है। मैडम क्या कहेंगे, पेट्रोल की किल्लत हो सकती है क्या? आपको भी लगता है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा? नहीं ऐसा नहीं है, मिलेगा। अभी थोड़ा सा एकदम हो गया, एकदम थोड़ा सा हो गया, एकदम थोड़ा सा हो गया है। और यहाँ पेट्रोल पंप कर्मचारी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। दादा इतनी भीड़ है कैसे संभाल रहे हैं? संभालना पड़ता है सर, अपना दायित्व तो होता है। पेट्रोल डीजल की कमी है तभी तो इतनी भीड़ है सर। हाँ गाड़ियाँ नहीं आ रही। पेट्रोल पंप कर्मचारी भी बता रहे हैं कि टैंकर नहीं आ रहे हैं, इसी वजह से ये भीड़ मची हुई है। बहरहाल अगर कानून की बात करें तो पहले कहा जाता था कि ड्राइवरों को 7 खून माफ है, यानी ड्राइवर अगर कहीं एक्सीडेंट कर, इस पर पुनर्विचार की जरूरत अब निश्चित तौर पर आन पड़ी है। अंबिकापुर भी चलते हैं, लौटूंगी मैं आपके पास। श्रवण बताइएगा क्या कुछ हालात है, क्या यहाँ पर भी सड़क पर सन्नाटे, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नजर नहीं आते हैं? देखिए आज सुबह से ही जो है चालक संघ ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया है और जो बसें हैं करीब 500 से अधिक बस जो जिले से संचालित होते थे, अलग अलग ब्लॉक मुख्यालय में जाते थे, अलग राज्य में जाती थी, उनके पहिया थम चुके हैं और हजारों की संख्या में आज सुबह 5 बजे से लेकर करीब 6 घंटे से अधिक वक्त जो चालक थे वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। और उनको समझाने के लिए तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी और जो पुलिस थे वो समझाइश दे रहे थे, इसके बावजूद जो है वो प्रदर्शनकारी जो हिट एंड रन मामले के नए कानून को लेकर लगातार ये बता रहे थे कि ये काला कानून है और जो चालक है उनके लिए ये खतरा है। कहे कि जिस तरह से हादसे होते हैं वो कहीं बता करके नहीं आते, और अगर हादसे के बाद अगर हम वहां पर रुक जाते हैं तो उनकी जान को भी खतरा रहता है। और जिस तरह से जो सजा का प्रावधान है कानून में बताए गए हैं और इसके साथ ही जो जुर्माना की जो रकम है वो 7 लाख रुपए है, तो ये इतनी बड़ी रकम है। और ड्राइवरों का कहना था कि उनकी जो वेतन होता है वो महज 10 से 12 लगता है। श्रवण की हर जगह पुनर्विचार की जरूरत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का ये जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब देखिए टॉप 20 खबरें।